अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर और आप देख रहे हैं जमीर 91 चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जैज की सिम पर एक ऐसा कोड। अगर आप ये अपने नंबर पर कोड डायल कर लेते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके कौन सी सर्विस पर आपका बैलेंस इजाफी टैक्स कट रहा है। क्योंकि काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई हमारे नंबर पर जो पैकेज एक्टिवेट होता है उसके बावजूद भी बैलेंस कट रहा है, या फिर हम अगर अपने नंबर पर बैलेंस करवाते हैं पैकेज को एक्टिवेट करने के लिए तो हमारे नंबर पर बैलेंस 10-15 रुपये कट जाते हैं। तो कौन सी सर्विस हमारे नंबर पर ऐसी एक्टिवेट होती है, या फिर कौन सा ऐसा पैकेज एक्टिवेट है जिसकी हमें कोई खबर नहीं? तो दोस्तों, बिल्कुल आज के इस वीडियो में मैं आपको जैज का एक ऐसा कोड बताने वाला हूं। अगर आप अपने जैज के ये नंबर पर कोड डायल कर लेते हैं तो आपके पास जैज की 3 दिन की स्टेटमेंट शो हो जाएगी कि आपका जो बैलेंस कटा है वो किस नंबर पर, या फिर कौन सी ऐसी सर्विस पर आपका बैलेंस कट गया। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, वीडियो आपके बहुत काम की है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। दोस्तों, आपका भी बैलेंस अगर कट जाता है और आप भी इस चीज से काफी परेशान है तो दोस्तों बिल्कुल आज मैं आपको एक ऐसा कोड बताने वाला हूं। आप अपने जैज के नंबर पर यह कोड डायल करें और आप अपने जैज के नंबर पर 3 दिन की स्टेटमेंट आपके सामने शो हो जाएगी और उसमें से आप देख सकते हैं कि आपके नंबर पर कौन सी ऐसी सर्विस है, या फिर कौन सा ऐसा SMS पैकेज है, या कौन सी मोबी ट्यून्स वगैरह एक्टिवेट है जिससे आपके नंबर पर बैलेंस इजाफी टैक्स के थ्रू कट रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने अपने नंबर पर बिल्कुल कोड डायल कर देना है *70*50#*70#50#। दोस्तों, ये कोड आपने अपने नंबर पर डायल करना और इसे सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इसकी एक स्टेटमेंट शो हो चुकी है। इसमें से अब आप 3 दिन की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि 4, 3 और 2 तारीख की, यानी कि जो आज का दिन अगर आप चेक करें तो इससे 2 दिन पहले वाली भी स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं 2 दिन पहले की स्टेटमेंट चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो बैलेंस कटा था वो कौन से नंबर पर या कौन सी ऐसी सर्विस पर बैलेंस कट गया था। दोस्तों, मैंने इसे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद ये रिक्वेस्ट में अभी मुझे मैसेज मिलेगा। अभी हम मैसेज को ओपन करते हैं और वहाँ पर जाकर हमें दिखा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कौन सी सर्विस हमारे नंबर पर एक्टिवेट है जिससे बैलेंस कट जाता है। थोड़ा वेट करना होगा, अभी हमारे पास मैसेज आएगा और उस मैसेज को ओपन करके अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ गया, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें से बैलेंस इजाफी टैक्स कट रहा हो। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी छोटी मोटी सर्विस एक्टिवेट थी जिससे मेरा काफ़ी बैलेंस कट रहा था। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 28 रुपये, 33 रुपये, 23 रुपये, 3 रुपये। दोस्तों, बिल्कुल इन सर्विस को अब मेरे नंबर पर कोई भी ऐसी फालतू की सर्विस नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।